की ये समझ है कि गणित एक कठिन विषय है, लेकिन गणित एक कठिन विषय नहीं है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उसके अवधारणा जो बताया जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें गणित पढ़ाने के लिए टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए और हर स्टेप पे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक शादी के कार्ड से ये संख्या और संख्याओं की समझ को बताया है। जैसे बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनमें खेल कर देख कर अट्रैक्टिव चीज़ देख कर वो उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है समझने की। तो जैसे ही मैं आपको अभी संख्या की समझ के बारे में बताऊंगी, जैसे मैंने ये डॉल्स बनाई हैं, बच्चों को ये दिखा के हम कहेंगे ये कितनी डॉल है, तो कहेंगे एक, एक में और एक और मिला देंगे तो ये अब हो गई दो। तो हम इसमें एक प्रकार की वस्तु है, ज़रूरी नहीं है कि डॉल ही लें, पेंसिल ले सकते हैं, एक प्रकार की पेन ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं। तो ये हमने बताया एक में एक और मिलाया ये दो हो गया, ये दो नहीं है, ये मिला के दो है। इसी प्रकार बच्चों को एक और डॉल मिला देंगे, बच्चे बताएंगे, ये बच्चों को बताया जाएगा अब ये तीन हो गई। तीन का मतलब ये तीनों मिला के तीन, ये तीन नहीं है, ये तीनों मिला के तीन। इसी प्रकार एक एक मिलाते हुए हम चार पाँच और छः, इसी तरह से आगे की दस तक की नौ तक की संख्याओं का हम बच्चों को ज्ञान कराएंगे और बच्चों से ये बताएंगे कि ये जो हैं ये संख्याएं हैं और जो हम उसको लिखते हैं एक और दो, जैसे तुम्हारा नाम की पहचान होती इसी तरह से वो उनके संख्याओं को होते हैं, उनकी पहचान के लिए उनको ये अंक दिया जाता है।